अपना तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती श्रद्धांजलि देने पहुंची और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय से, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है महापरिनिर्वाण दिवस पर। ये मौका जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। आज भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब को यहां पर श्रद्धांजलि दी है। दरअसल आज परिनिर्वाण दिवस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और इस मौके पर बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इस दौरान तमाम जो बीएसपी के प्रमुख चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मौजूद और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से तमाम जो बीएसपी के नेता हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए और यहां पर मायावती भी उनके तस्वीर के बिल्कुल पास में बैठी और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहां पर मायावती नजर आ रही हैं। ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। संसद, अब देखिए संसद परिसर में भी किस तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को यहां पर श्रद्धांजलि दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस और इस मौके पर जगह जगह पर आयोजन किए गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुष्प अर्पित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आ रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर ये पुष्पांजलि सुमन अर्पित करते हुए और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से संसद परिसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने भी यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है और दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर हमेशा चलती हैं, हमेशा उनका उल्लेख आप उनके हर भाषण में सुनते रहेंगे और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। संसद परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है और संसद परिसर की भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर संसद परिसर में भी तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं बड़े, और ये देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद, ओम बिरला की मौजूदगी और यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के बाद की तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मौजूदगी आपको दिख रही होगी और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों को याद करते हुए, तो एक तरफ संसद परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं, ओम बिरला को देख पा रहे होंगे, जगदीप धनखड़ को देख पा रहे होंगे, तमाम बड़े चेहरे और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए। परिनिर्वाण दिवस है आज दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर का। और दूसरी तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी है और यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम लोगों की मौजूदगी में, और ये देखिए मायावती सभी का अभिवादन करते हुए, जो भी साधु संत वहां पर मौजूद उनका अभिवादन करते हुए यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती और यहां से निकलते हुए। और ये पहले की तस्वीरें जब उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए तो बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते, ये दो तस्वीर। संविधान के निर्माता को देश आज नमन कर रहा है महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए। पीएम ने यहां पर बाबा साहब को नमन किया, उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पीएम मोदी के साथ ही यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी मौजूदगी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की भी मौजूदगी। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखिए लखनऊ में बीएसपी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया। तो एक तरफ संसद परिसर की तस्वीरें जहां पर, और ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वो वहां पर पहुंची हुई हैं और श्रद्धा सुमन, और ये देखिए माल्यार्पण किया गया है, हाथ जोड़कर अभिवादन किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपति यहां पर नजर आ। और ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम बड़े नेता बड़े पद पर, पीएम मोदी, ओम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, तमाम बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी। और दिल्ली के संसद भवन की आपको तस्वीरें दिखा रहे, एक तरफ लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। और ये देख रही है मायावती की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो भी वहां पर पंडित संत मौजूद थे उन्हें वहां पर एक तरह से उपहार भेंट करते हुए, दक्षिणा भेंट करते हुए मायावती। बीएसपी अध्यक्ष ने यहां पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की है बाबा साहेब अम्बेडकर को। मायावती अक्सर अपने भाषणों में बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों को याद करते हुए नजर आती हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। बाकायदा लखनऊ में इसे लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बीएसपी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। और इस मौके पर देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं बाबा साहेब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के बाद अब वहां पर जो भी संत जो भी पंडित वहां पर पहुंचे थे सभी को उपहार दक्षिणा भेंट करते हुए मायावती। वहीं संसद भवन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए
दिल्ली में संसद भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वहीं लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी नजर आई पुष्पांजलि सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। संविधान निर्माण इन्होंने ही किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर में ही। आज संविधान निर्माता को पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है। तो बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां पर पीएम मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला, इसके अलावा जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति। वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर पीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस आयोजन के जरिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। ये पहले की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको नजर आ रही होंगी। परिनिर्वाण दिवस है आज, आज सभी लोग संविधान के निर्माता को याद कर रहे हैं। पूरा देश इस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहा है। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। तो दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती, माफ कीजिएगा, तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए। वहीं पर संसद भवन की भी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जहां पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आएंगे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नजर आएंगे। बाबा साहब को नमन किया जा रहा है, उनके सिद्धांतों को याद किया जा रहा है। संविधान निर्माता को आज पूरा देश नमन कर रहा है। तो बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का बकायदा आयोजन किया गया है और इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां पर नजर आ रही हैं और लखनऊ में ये भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए